हाय गाइस, जय माता दी, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज का कैप्शन देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की रीडिंग का टॉपिक क्या है। जी हाँ, करंट फीलिंग्स। आप किसी स्पेशल पर्सन के साथ डील कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या है उस पर्सन की करंट फीलिंग्स फॉर यू और क्या हो सकता है उनका पॉसिबली नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स यू। सो इट्स अ जनरल रीडिंग, मे और मे नॉट रेजोनेट टू एवरीवन। सो प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। और जो साथ में जो बेल आइकन बना है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए सो दैट यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स फॉर वीकली एंड ऑल अदर रीडिंग्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मैंने यहाँ पे दो पाइल्स बनाई हैं। सो फॉर पाइल नंबर वन आपके सामने है, यू कैन टेक योर टाइम एंड चूज वाइसली, आराम से। इसका जो बेसिक रूल होता है वो ये होता है कि फर्स्ट जो भी आपको पाइल अट्रैक्ट करे, राइट, सो आप उसके साथ कनेक्टेड फील करें तो वही होती है आपकी पाइल, राइट। सो फॉर पाइल नंबर वन वी हैव दिस येलो फ्लावर एंड फॉर पाइल नंबर टू वी हैव दिस ब्यूटिफुल वाइट फ्लावर्स। सो मैं टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप वहां जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग विद पाइल नंबर वन, यानी कि ये येलो फ्लावर जिन्होंने चूज़ किया है। देखते हैं क्या है करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की और क्या हो सकता है उनका नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स यू। मैं इसको यहाँ रख लेती हूँ सो दैट हमें याद रहेगा कि वी आर डूइंग पाइल नंबर वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, जिन्होंने भी पाइल नंबर वन चूज किया है, लेट मी टेल यू, यस देयर इज लाइक अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ थर्ड पार्टी इन योर रिलेशनशिप। कुछ है यहाँ पे, मे बी हो सकता है कि यू नो और यू डोंट नो, बट ऐसा कुछ है आपके पर्सन, यू आर गोइंग थ्रू, आपके जो पर्सन है दे आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ लाइक कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में स्नीकी। मैं ज़रूरी नहीं कहूँगी, थर्ड पार्टी का मतलब ज़रूरी नहीं होता कि उनकी लाइफ में कोई और है, राइट, बट हो सकता है कि कोई कोई ऐसी चीज़ हो, या हो सकता है दे आर गोइंग थ्रू अ सेपरेशन, और हो सकता है दे आर गोइंग थ्रू अ डिवोर्स प्रोसेस, और हो सकता है देयर इज समथिंग जो अभी वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं, और मे बी हो सकता है वो उस चीज़ का वेट कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है थ्री थ्री, येस देयर इज लाइक कुछ इश्यूज हैं जो अभी रिजॉल्व होने हैं एंड दे आर मोस्ट लाइक बहुत पॉसिबिलिटी लाइक दे आर वेटिंग फॉर दैट कि वो चीज़ें ख़त्म हो जाए सो दैट वो आपकी तरफ आगे आ सकें, आपकी तरफ बढ़ सकें। दिस मे बी हो सकता है देयर इज लाइक, जैसे कि मैंने कहा कि दे आर ट्राइंग टू कम आउट ऑफ दैट, वो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक हो सकता है कि कोई इश्यूज़ हों, या जैसा कि मैंने कहा कि सेपरेशन हो, और दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, दे हैव इमोशंस फॉर यू बिकॉज दे वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग विद यू। वो आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं विद द एस ऑफ वॉन्ट्स, येस वो न्यू बिगनिंग चाहते हैं। दे सी यू लाइक समथिंग लाइक, जैसे कहते हैं ना कि आप उनके लिए एक आशा की किरण है, ऐसा है, राइट, और वो किसी चीज़ पे फ्यूरियसली काम कर रहे हैं। आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है एंड मे बी हो सकता है, बहुत पॉसिबिलिटी है, या आप फायर साइन के साथ डील कर रहे हैं या आप एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। टॉरस नहीं मुझे दिखाई दे रहे, यस टॉरस भी हैं, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन भी है हमारे पास, और जेमिनाई लिब्रा और एक्वेरियस कम है, जेमिनाई और लिब्रा मुझे दिखाई दे रहे हैं एंड फायर साइंस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट साइंस यहाँ कोई भी हो सकते हैं। बट डेफिनेटली आपके जो पर्सन हैं वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, राइट, लाइक उनका ध्यान इस टाइम किसी चीज़ पे है, लाइक दे आर फोकस्ड ऑन समथिंग, कोई लाइक फोकस कर रहे हैं वो किसी चीज़ पे, आई डोंट नो कि क्या चल रहा है। मे बी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बोला कि हो सकता है दे आर गोइंग थ्रू अ सेपरेशन,
सिचुएशन, या हो सकता है किसी के घर कोई फैमिली इश्यूज़ हो, या हो सकता है कुछ कोई थर्ड पार्टी में अटका हुआ हो, या काम की वजह से कोई अटका हुआ हो, या किसी दूसरे देश में कोई अटका हो, ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। बिकॉज कई बार मुझे कमेंट्स आते हैं कि थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि ये कि उनकी लाइफ में कोई और ही पर्सन है। नो, थर्ड पार्टी का मतलब होता है कि देयर आर सम इश्यूज गोइंग ऑन इन देयर लाइफ जो वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत तेज़ी में वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू क्लैरिफाई थिंग्स, दे वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग, दे वॉन्ट अ फ्रेश स्टार्ट विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, और बहुत ज़्यादा अपने आप को उसमें से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? हो सकता है किसी चीज़ में स्टक हैं, और आप लोगों का डेफिनेटली मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप लग रहा है, और दे वॉन्ट जिसे कहते हैं ना इक्वल गिव एंड टेक इन दिस रिलेशनशिप। इन द नियर फ्यूचर मुझे दिखाई दे रहा है, मे बी हो सकता है आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं इन योर लाइफ, बट द थिंग इज येस, हो सकता है कि इन द नियर फ्यूचर वो ओपन अप हों, या आपके साथ थोड़ा सा ओपन अप हों। देयर इज सम मुझे जहाँ तक लग रहा है कि किसी की हीलिंग बाकी है अभी, राइट? इमीजिएट मूव तो मैं नहीं कहूँगी उनका कि दे आर टेकिंग मूव टूवर्ड्स यू, बिफोर दैट आपको हीलिंग की ज़रूरत है। मे बी आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, मे बी दिस पर्सन नीड्स हीलिंग, राइट? सो वट यू कैन डू इज यू आर द मास्टर, तो आप वट यू कैन डू इज यू कैन सेंड हीलिंग प्रेयर्स टूवर्ड्स दिस पर्सन। मे बी हो सकता है वो किसी चीज़ में स्टक हैं और आपके जो गाइड्स हैं वो काम कर रहे हैं आप लोगों के रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में, बट कुछ चीज़ें हैं जो वो स्टक हैं। मे बी दे दिस पर्सन वॉन्ट्स इक्वल गिव एंड टेक, आपकी तरफ आना चाहते हैं और बिल्ड करना चाहते हैं, और इक्वली जैसे कहते हैं ना इक्वल चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक इन दिस रिलेशनशिप। बट अगेन मैं वही कहूँगी कि वही चीज़ें हैं स्टक, दी एनर्जीज आर स्टक, उनका जो माइंड है। मे बी हो सकता है जैसा कि मैंने बोला समबडीज हार्ट चक्रा इज क्लोज, बिकॉज हो सकता है जो भी उनकी लाइफ में इश्यूज पहले चल रहे हों, या जो भी जिस चीज़ के थ्रू वो जा रहे हैं, हो सकता है कि वो अभी वो उस स्टेज पे है कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। दे आर ट्राइंग हार्ड, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, येस दे आर ट्राइंग हार्ड, बट किसी पुरानी हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से उन्होंने अपना हार्ट चक्र क्लोज कर लिया हो, राइट? हो सकता है कि उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया, क्लोज्ड ऑफ, राइट? सो मे बी हो सकता है दिस पर्सन नीड्स हीलिंग और यू नीड हीलिंग। सो वट यू हैव टू डू इज आपको उनको यू हैव टू सेंड देम लव एनर्जी, राइट? आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। येस यू, जैसा कि मैंने कहा, यू कैन मैनिफेस्ट दिस पर्सन इन योर लाइफ, बट उसके लिए आपको उस एनर्जी में आने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है, आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है और सरेंडर करने की ज़रूरत है टू द डिवाइन। दे आर ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट उनकी लाइफ में जो हो रहा है। कई बार ऐसा होता है हम अपनी लाइफ में किसी सिचुएशन में ऐसे स्टक होते हैं कि हम चाह के भी हम नहीं निकल पा रहे होते और सामने वाला रियलाइज़ नहीं करता, और कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले के पास टाइम नहीं होता। तो मे बी हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपको लग रहा हो कि दिस पर्सन इज़ अगर आप उनका वेट कर सकते हैं तो ऑल आई कैन से इज कि दैट दिस पर्सन नीड्स हीलिंग, राइट? उनका हार्ट में भी हो सकता है पुराने इश्यूज की वजह से उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया है। सो इन द नियर फ्यूचर हो सकता है कि दे विल ट्राई टू ओपन अप, राइट? और अगर जैसे ही वो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से निकलेगी या जो भी इश्यूज है वो सॉल्व होंगे तो डेफिनेटली वो आपकी तरफ आएंगे। बट इमीजिएटली अगर मैं कहूँ सी आई डोंट वॉन्ट टू शुगर कोट एनी थिंग, राइट? इमीजिएटली अगर मैं कहूँ कि येस, तो आई डोंट थिंक सो, बट इन द फ्यूचर जरूर चांसेस हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज रियली वर्किंग हार्ड ऑन दिस विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स। वो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, एंड बिलीव मी, येस दे आर डूइंग, दे आर ऑल्सो वेटिंग फॉर समथिंग इन देयर लाइफ टू हैपन, बिकॉज वो नई बिगनिंग करना चाहते हैं, राइट? वो न्यू बिगनिंग चाहते हैं और वो उस चीज़ पे काम कर रहे हैं, वो उस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, राइट? सो यू नीड टू बी पेशेंट, यू नीड टू बी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है और फेथ रखने की ज़रूरत है और भगवान पे भरोसा रखने की ज़रूरत है और सरेंडर करने की ज़रूरत है, राइट? देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, मास्टर, यू आर द मास्टर क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। तो अगर आप चाहते हैं तो अपने आप को हील कीजिए, इस पर्सन को इस पर्सन के लिए प्रे कीजिए, राइट? और जो भी आप सेंड देम लव एनर्जी सो दैट वो उस चीज़ में से बाहर निकल के आए।
जल्दी ही, राइट, और आपकी तरफ आए. सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर द पाइल नंबर वन. अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कर सकते हैं आप, कमेंट कीजिए. और चलिए अब देखते हैं पाइल नंबर टू, जिन्होंने भी ये वाइट फ्लावर्स चूज़ किए हैं. देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं एंड व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स यू. ओके, आपके जो पर्सन है, लाइक देखिए, जिन्होंने भी ये पाइल नंबर टू चूज किया है, आपके जो पर्सन है दे आर रिफ्यूजिंग फ्रॉम समथिंग, दे आर हार्ट ब्रोकन. मे भी हो सकता है आप लोगों की बात नहीं हो रही है, मे भी हो सकता है समबडी लेफ्ट, बट वो आपको देखते हैं, दे सी यू एज द वन, राइट. थ्री ऑफ पेंटिकल्स, वो इमेजिन करते हैं, बट अभी उन्होंने अपने आप को बिजी किया हुआ है. मे बी दे आर लाइक वर्किंग ऑन देयर मनी, या किसी चीज़ की वजह से वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं अपने आप को, लाइक हार्ट ब्रोकन है, स्टक रखा हुआ है उन्होंने, और थोड़े से डिफेंसिव मूड में भी है. और मे बी दिस पर्सन लेफ्ट, हो सकता है रिसेंट पास्ट में दे लेफ्ट, और कुछ है लाइक हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा. वी हैव लाइक वाटर साइंस जिनके साथ आप डील कर रहे होंगे, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस हो सकते हैं. और साइंस हमारे पास सभी हैं, कोई भी साइंस हो सकते हैं, बट द थिंग इज आपके जो पर्सन है इस टाइम रिफ्यूजल की एनर्जी में है, राइट. या फिर हो सकता है कि वो अभी लाइक कहते हैं ना कि लव एनर्जी में से निकल के, और यू कह लीजिए कि प्यार मोहब्बत की बातों में से निकल के दे आर फोकसिंग ऑन देयर मनी राइट नाउ, मैं यू कहूँगी. हो सकता है, बट दे सी यू एज द वन, लाइक वो देखते हैं इस रिलेशनशिप में कैपेबिलिटी है, वो आगे बातें बढ़ा सकते हैं, या आप दोनों की आगे बात बढ़ सकती है, वो ऐसा सोचते हैं. बट थोड़ा सा अपने आप को लाइक गार्ड कर रहे हैं किसी चीज़ की वजह से, दिस पर्सन इज़ गार्डिंग, लाइक वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा उनको चोट पहुंची है, तो इसीलिए अभी इस टाइम वो रिफ्यूज़ल की एनर्जी में है. दिस पर्सन इज़ इन रिफ्यूज़ल एनर्जी. और ओके, इन द नियर फ्यूचर मे भी हो सकता है कि आगे चल के कुछ चेंज आए, राइट. बट इमिजिएटली मुझे ऐसा नहीं लगता, लाइक यू माइट बी, जो भी आप लोग रीडिंग को देख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन के लिए सोच रहे होंगे, बट आपके जो पर्सन हैं दे आर इन अ रिफ्यूज़ल एनर्जी, अभी रिफ्यूज़ल में है, हार्ट ब्रोकन है किसी बात को. आई डोंट नो व्हाट इट्स अ रीज़न, मे बी हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो, या मे बी हो थर्ड पार्टी, देखिए ज़रूरी नहीं होता कि कोई और उनके लाइफ में हो, हो सकता है कि किसी और की वजह से आप लोगों का लड़ाई झगड़ा हुआ हो या वॉट एवर, राइट. तो अभी वो उस एनर्जी में है. इन द नियर फ्यूचर मुझे ये देख रहा है कि अभी वो कोई स्टेप फॉरवर्ड लेने के मूड में नहीं है. दे आर फीलिंग लाइक, हो सकता है आगे चल के दे विल बी फीलिंग लाइक वेरी सैड, और वो आपको मिस करेंगे बिकॉज द नाइन ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है उनको पछतावा हो और वो रो, लाइक जैसे कहते हैं ना स्लीपलेस नाइट्स, तो हो सकता है वो उस एनर्जी में आए, और हो सकता है कि फिर उनका माइंड उनको लाइक वो फील करें वैसा कि येस दे आर वॉट दे आर डूइंग, एंड देन दे विल थिंक अबाउट कि क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में. विद टर्निंग इन में भी हो सकता है कि वो सोचें कि उनको क्या करना है, राइट. विद द फोर ऑफ कप्स, मुझे अगेन वी हैव फोर ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ कप्स, तो रिफ्यूज़ल की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है इस पर्सन. बट द पॉजिटिव थिंग इज कि हो सकता है आगे चल के लाइक हो सकता है आगे चल के कोई चेंज आए, एंड दिस पर्सन लाइक डिसाइड्स टू टेक एन एक्शन, राइट. नॉट इमीडिएट फ्यूचर, बट येस आगे चल के पॉसिबिलिटी है कि येस ये पर्सन विद द नाइन ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि येस वो चेंज. देखिए व्हाट एनर्जी इज गोइंग ऑन, आपके पर्सन इस टाइम रिफ्यूजल में है, दे आर हार्ट ब्रोकन और वॉट एवर, जो भी, देन दे विल फील सैड अबाउट जो भी हुआ आप लोगों के बीच में, दे विल बी मिसिंग यू और दे विल बी फीलिंग कॉन्फ्लिक्टेड, या हो सकता है कि वो सोचें कि वॉट आर दे डूइंग, और फिर उसके बाद हो सकता है दे विल लाइक दे विल ट्राई टू कम टूवर्ड्स यू, और आपको वो कॉल करें या मैसेज करें, एंड येस बहुत चांसेस लग रहे हैं मुझे विद द एस ऑफ वांड्स. फिर उसके बाद वो सोचेंगे कि आपकी तरफ वो आए और आपकी तरफ लाइक
विद एन ऑफर और मे बी चीज़ों को क्लैरिफाई करें. बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है मुझे. अर्थ साइन भी लग रहे हैं और वाटर साइन यू आर डीलिंग विद. और अभी वो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है. अभी बहुत ज़्यादा किसी बात को हो सकता है कि आप लोगों के बीच में सडनली कुछ हुआ हो या अभी कुछ कोई बात, जहाँ तक मुझे लग रहा है आप लोगों की बात लाइक हो रही होगी या कम, बहुत कम हो रही है. हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं आपके जो पर्सन है किसी बात को लेके. थोड़ा सा रिफ्यूज़ल है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है किसी बात को, किसी बात का रिफ्यूज़ल है किसी को. लाइक हो सकता है आप ऑफर कर रहे हो और दे आर रिफ्यूजिंग, या हो सकता है आप चाहते हो फैमिली बिल्ड करना, वो भी सोचते हैं बट दे आर लाइक दे आर नॉट शोइंग इंटरेस्ट, दे आर वॉकिंग अवे. वो ऐसा फील कर रहे हैं. हो सकता है दे आर लाइक, जैसा मैंने कहा ना कि समबडी इज़ वॉकिंग अवे, तो ऐसा लग रहा है मुझे इस एनर्जी को देखे. देन वी हैव 9-9. सो हो सकता है कि चेंज इन द नियर फ्यूचर, कोई चेंज आए आप लोगों की रिलेशनशिप में. और हो सकता है कि ये पर्सन सोचें विद आफ्टर ऑल दैट पीरियड ऑफ रिफ्यूज़ल, हो सकता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई न्यू बिगनिंग आए, राइट, और कोई चेंज आए. और या अभी ये पर्सन थोड़े से डिफेंसिव मोड में है विद द नाइन ऑफ वॉन्ट्स, जैसे कोई अपने आप को गार्ड कर रहा होता है. और दिस पर्सन इज़ लाइक होल्डिंग, अपने आप को गार्ड कर रहे हैं और वॉकिंग अवे. लाइक हो सकता है कि किसी चीज़ को लेके या किसी उस बात को लेके आप लोगों में लाइक दे आर नॉट शोइंग इंटरेस्ट, कुछ इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे, राइट. सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर पाइल नंबर 2. आई विश यू ऑल द बेस्ट. आई होप कि आप लोग जो भी सिचुएशन है आप लोगों की लाइफ में वो जल्दी ही ठीक हो जाए और आप लोगों का रिकंसिलिएशन हो, अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो आगे बातें बढ़ें, राइट. सो दैट्स ऑल वी हैव. अगर आपको आज की रीडिंग पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. और मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग. टिल देन टेक केयर, बाय. अपना ख्याल.